हेल्प सर? नहीं थैंक यू, आपने बहुत हेल्प करी हमारी, थैंक यू मेजर। थैंक यू सर। थैंक यू। ये कमरा है या फूलों की दुकान? ओहो वाइफी, ये तो कुछ नहीं है, ये तो अभी हट जाएगा, कर दे। तो मैं देख। हेलो सर। हाय सर, हमारे होटल की तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है सर। थैंक यू। वेलकम। कॉम्प्लीमेंट्री। ये गिफ्ट माने नील को देने को कहा था, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कैसे दूं। अवनी। हेलो माँ। मैं बस सोच रही थी तुम दोनों के बारे में। पहुंच गए ना ठीक ठाक? ये तो बताओ होटल कैसा है? अब जैसा होटल होता है वैसा ही है। कितना अजीब लग रहा है माँ। ये होटल वालों ने ना पूरे रूम को फूलों से डेकोरेट कर रखा था। अजीब लग रहा है, मेरे पेट में ना एग्जाम वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं इस बार तो फेल होने ही वाली हूँ। और ऊपर से ये गिफ्ट, पता नहीं मैं यहाँ आने के माने क्यों गई। गिफ्ट? मासूम लड़कियों की जिंदगी का मजाक बना के रखा हुआ है। रघु जैसे वहशी दरिंदे का इस सोसाइटी में घूमना बहुत डेंजरस है। हमें कुछ भी करके आज रात तक उस तक पहुँचना होगा। क्या तुम मुझसे फोन पे बात करने में लगी हो? जाओ जाके नील को वो गिफ्ट दो। लेकिन इसमें है क्या माँ? एक ऐसी चीज जो हमेशा तुम्हारी ताकत बना है। अच्छा ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। कहो ना। पुलिस स्टेशन में भी मैंने कोशिश की पर तुम एक बार थैंक्स बोल चुकी, तुम्हें फिर से कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैं बस अभी आ रही हूँ। सब बोला तो जाएगा ही नहीं। एक काम करती हूँ, नील के लिए लेटर लिख के यहाँ छोड़ देती हूँ। ऐसी क्या बात है जिसे बोलने के लिए अवनी को एक लेटर लिखना पड़ रहा है? और उस गिफ्ट में क्या है मुझे पता लगाना ही होगा।